हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका एके गेमिंग चैनल पर। इस बार मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ कि आप किस हिसाब से गेम खेलें कि आपका जो पिंग है वो काफ़ी अच्छा आए गेम में। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थिस इज अभिषेक कुमार, तो चलिए यहाँ शुरू करते हैं। नंबर एक पॉइंट, आपको जब भी गेम शुरू करना है, जैसे आप गेम शुरू करोगे तो आपका एक नीचे स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पर लेफ्ट साइड नीचे की, और वहाँ पर एक नीचे एशिया लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके साइड में ना ग्रीन सा सिग्नल आपको देखने को मिलेगा जो ऑरेंज येलो और रेड में दिखेगा। जब वो ग्रीन हो ना तभी आप गेम खेलना शुरू करें, क्योंकि वो जब तक येलो रहेगा ना, येलो और रेड, तो आपका पिंग है वो ऊपर ही आएगा 120 से, तो ठीक है। दूसरा, बाकी जो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताने वाला हूँ तो यहाँ से मैं जल्दी ही आपको स्क्रीन पर लेके जाऊँगा। तो नॉर्मली आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा इन सब चीज़ों के बारे में क्योंकि आपको आपको स्क्रीन पे सब चीज़ें दिख ही रही होंगी। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आता हूँ। स्क्रीन पर आते ही मैं आपको दो एप्लीकेशन बताऊँगा, एक का नाम है ओपन सिग्नल और दूसरा का नाम है नेट ऑप्टिमाइज़र। हो सके तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपको इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो आपको सबसे पहले अपना ना ओपन सिग्नल जो एप्लीकेशन है इसे ओपन करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्या करोगे। तो जैसे आप इसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको देख सकते हैं नीचे डेटा का ऑप्शन है या चौथे नंबर पर एक एरो सा बना, उस पर टैप करोगे और घर के ना हर कोने पर जाके आपको चेक करना है, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, और उसके ऊपर ऊपर ना दिख रहा है मीटर सा, उसके ऊपर टैप कर देना है फ़ोन कहीं रख रख के साइड साइड में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, कि आपको देखना है ना कि कहाँ पर मेरा बेस्ट इंटरनेट का स्पीड आ रहा है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर लेफ्ट में सबसे लेफ्ट वाला जो है वो लो का है, जो मिडिल पे रुकेगा तो वो मीडियम है, और राइट में रुकेगा तो बढ़िया क्वालिटी का है, तो ठीक है। तो जैसे ही आपका ये रुकेगा, और आपको ना जब आप इसे करोगे तो आपको ना लोकेशन ऑन कर लेना। देखिए मेरा मीडियम आ रहा है, फिर भी मेरा पिंग काफ़ी अच्छा आता है, मेरा 80 का पिंग आता है। तो आप इसे ट्राई करके अपने घर में देखें कि कहाँ पे मेरा बेस्ट आ रहा है, वहीं पर बैठकर पबजी खेलें। ये एक बेस्ट एप्लीकेशन है जो आपको बहुत अच्छे से बता देगा कि आपको कहाँ पर अपना फ़ोन यूज़ करना है, जहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी का इंटरनेट मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप करने के बाद अब हम आएंगे नेट ऑप्टिमाइज़र पे। आप जिसको ऑन करोगे तो ऑन करोगे, मैंने अब बस आपके लिए ही ये वीडियो बनाया है, तो इसी करके नहीं तो मेरा इंटरनेट तो काफ़ी ठीक ठाक सा चल जाता है, अब ये मेरा सही सा चल जाता है। जैसे आप इसे ऑन करोगे, ऑन करने के बाद आपको एक एक्टिव का ऑप्शन शुरू में दिखेगा, ये सब आपको इनेबल मतलब सब दे देना जो जो ये बोलेगा, ठीक है। इसको देने के बाद ना आपको एक ऑप्शन आएगा नहीं, वो देखिए एक्टिव, उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर दोगे ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव होने के बाद तो आपको जब ये मतलब प्रोसेस सारा हो जाएगा, मतलब आप देख सकते हैं अभी हो रहा है धीरे धीरे, टेस्टिंग DNS सर्वर्स लिख रहा है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आपने एक DNS जैसे आने वाला आती, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। स्कैन DNS पे टच करना है, ठीक है, बीच पे टैप करके, देख सकते हैं बीच पे मैंने टैप करके स्कैन DNS पे किया है। इसको करने के बाद आपने ना जो ग्रीन आएगा, ग्रीन MS में लिखा आएगा, जैसे गूगल का आएगा, आपको क्लाउड का आएगा, तो आपको उन्हें चूज़ करना है। मेरे में तो मैं शाम को वीडियो बना रहा हूँ इसी करके मेरा ये बहुत हाई आ रहा है, देख सकते हैं आप मेरा गूगल वूगल सबका हाई आ रहा है। तो आप दिन में करके देखोगे तो आपका ये कम में आएगा, आपका ये 80-80 पे आएगा। तो आपको इन सब में से एक यूज इट पे टैप करके इसे यूज़ कर लेना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसे कर लोगे तो आप खुद देखोगे बाहर आके कि आपका फ़ोन काफ़ी अच्छा काम करेगा। जैसे ही इसे आप सेट कर लोगे, इसके बाद आपको मेनली पता क्या करना है, आपको मेनली आके बैकग्राउंड से इसे मतलब हटा देना है, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा, आप देख लेना क्या उस हिसाब से आप हटा देना। हटाने के बाद आपने सीधा गेम पे जाना है और गेम खेलना शुरू कर देना है, ठीक है। और आप ट्राई करो ना कि ईयरफोन लगा के खेलो, अगर ईयरफोन लगा के खेलोगे तो आपका जो डिवाइस है वो मतलब एक तो आप टच भी यूज़ कर रहे हो फ़ोन का, उसके ऊपर से आप उसका स्पीकर भी यूज़ कर रहे हो, उसके बाद मतलब ब्राइटनेस भी यूज़ हो रहा है, तो इसी करके बहुत फ़ोन है ना हीट करने लगता है। तो आपको कोशिश करना है कि आप ईयरफोन लगा के खेलें और पंखे के नीचे खेलें, ठीक है।
तो इतना आप करके देखें, अगर आपको कुछ दिख रहा है प्रॉब्लम मतलब सॉल्व होता हुआ दिख रहा है तो आप उसे करें। उसके बाद आपने यहाँ पे आके हर एप्लीकेशन का बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर देना है। सब एप्लीकेशन पे टैप करोगे तो ऐप इंफॉर्मेशन खुलेगा, उस पर जाके आपने उसका वो बंद कर देना है बैकग्राउंड डेटा, जैसे मैंने अभी वीडियो में बंद करके आपको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद आपने एक और चीज़ करना है, आपने ना स्टोरेज पे जाके, ठीक है, स्टोरेज पे जाके सारे एप्लीकेशन का केस फाइल डिलीट कर देना है। जैसे आप डिलीट कर दोगे ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन पे, बस वो जो जंक फाइल होता है वो सब हट जाएगा, तो आपका स्मूथ गेम रन करेगा। तो बस आज के लिए इतना ही।